फरमा रहे हैं राम दरबार में, क्योंकि बीजेपी को दो बार ही मौका मिल चुका है राम दरबार से, लेकिन उन्होंने कोई कामयाब नहीं किया है। जो सड़कें देखो तो सारी टूटी पड़ी हैं हमारे राम दरबार की, जो फुटपाथ है वो सारे टूटे पड़े हैं, पार्कों की रैलिंग जो 90 पार्कों में हमने रैलिंग लगवाई थी, आज पूरे राम दरबार के अंदर जगह जगह जाके देखो सारी रैलिंगें टूटी पड़ी हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, गंदगी का भरमार है पार्कों के अंदर। जो 3-3 फुट का पैसा कहाँ गया, किसने खाया, भ्रष्टाचारी कौन है? ये आप पार्टी वाले भी एक बहुत झूठे थे बीजेपी वाले, दूसरे झूठे ये आ गए हैं हमारे चंडीगढ़ के अंदर, झूठ बोल रहे। कुछ करे तो बताओ ना, सिर्फ इलेक्शन के दौरान में आके झंडा गाड़ देना कि हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, चंडीगढ़ में इन दिनों नगर निगम चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस बार टोटल अगर प्रत्याशी की बात करें 203 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं और सभी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कांग्रेस पार्टी के कमलेश जी से, उनका क्या कुछ कहना है और किन किन मुद्दों के साथ वो मैदान में उतरे हैं। इस बार आइए बात करते हैं। मैम, आपको सबसे पहले तो आज प्रकाश टीवी की ओर से बहुत बहुत मुबारक है कांग्रेस पार्टी की ओर से। देखिए, यहाँ राम दरबार में कई मुद्दे हैं, तो मुद्दे हैं मुद्दों की भरमार है राम दरबार में, क्योंकि बीजेपी को दो बार ही मौका मिल चुका है राम दरबार से, लेकिन उन्होंने कोई कामयाब नहीं किया है। जो सड़कें देखो तो सारी टूटी पड़ी हैं हमारे राम दरबार की, जो फुटपाथ है वो सारे टूटे पड़े हैं, पार्कों की रैलिंग जो 90 पार्कों में हमने रैलिंग लगवाई थी, आज पूरे राम दरबार के अंदर जगह जगह जाके देखो सारी रैलिंगें टूटी पड़ी हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, गंदगी का भरमार है पार्कों के अंदर। ये सब चीज़ें हैं और इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे जो रेडी फड़ी जो वाले हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो कांग्रेस की नीति थी स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत उन सभी लोगों को उन्हीं के इलाके के अंदर जगह दी जाएगी, लेकिन बीजेपी ने आके उसका कंसेप्ट ही चेंज कर दिया और उन लोगों को उनके एरिया में जगह देने की बजाय वो दूर दूर जगह दी। जैसे फॉर एग्जांपल रामदरार के जो स्ट्रीट वेंडर थे उनको आईटी पार्क में जगह दी गई कि आप वहाँ जाकर काम करें, जबकि वहाँ आसपास में कोई लोग भी नहीं रहते थे ज़्यादा, और यहाँ से आईटी पार्क काफ़ी दूर पड़ता है, कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से, और जो बेचारा रेडी वाला बंदा है यहाँ से सामान भर के रेडी में अपने आईटी पार्क में जाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। तो हमने कहा भी कमिश्नर को और यहाँ के मौजूदा जो काउंसलर है उनको भी कहा कि आपने सोचा क्यों नहीं कि रामदरार के जो लोग हैं रेडी फड़ी वाले तो हैं, उनके साथ तो धक्का आपने कर ही दिया है, लोग जिनकी आपने वोट ली है उनके लिए भी आपने ये सुविधा खत्म कर रहे हो, आप उनको आईटी पार्क भेज रहे हो, ये लोग कब जाएंगे और कैसे लाएंगे, यहाँ पर 50,000 से ऊपर की आबादी है रामदरार के अंदर, तो उन लोगों को भी आप ये जो सुविधा थी लोग आते जाते घर से काम करके आते तो सामान लेते तो उनके लिए उचित स्थान दिया जाएगा। और यहाँ कोई चिल्ड्रन जो हमने बनाया भी था चिल्ड्रन ग्राउंड बनाया था उसके अंदर कोई प्रॉपर बच्चों के खेल का सामान नहीं है, तो एक चिल्ड्रन ग्राउंड भी बनाया जाएगा, एक प्ले ग्राउंड भी बनाया जाएगा। अगर आप जीतती हैं तो सबसे पहले किन किन कार्यों को प्राथमिकता देंगी? मैडम, मैं ये बता दूँ कि हमारे लिए ये ही जो इश्यूज़ हैं जो हम करवाना चाहते हैं, जैसे सड़कों को दुरुस्त, पार्कों को दुरुस्त, फुटपाथों को द्वारा बनाया जाएगा, सड़कों को द्वारा बनाया जाएगा, पार्कों को द्वारा बनाया जाएगा, रैलिंग लगाई जाएगी, और जो हमारे कम्युनिटी सेंटर है उसके अंदर जिम बनवाया जाएगा, लाइब्रेरी बनवाई जाएगी कम्युनिटी सेंटर के अंदर, जो उसके रेट इन्होंने कॉलोनियों के रेट हमने रखे थे बहुत कम, शहर से आधे से ज़्यादा कम रखे थे ताकि यहाँ गरीब जनता है वो उसको यूज़ कर सके, इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो वो उनके रेट कम करे जाएंगे, पानी और बिजली के रेट कम करवाए जाएंगे, और अपने यहाँ पर वो जो गंदगी है जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं राम दरबार के अंदर, तो उनको वो सफाई व्यवस्था पूरी करवाई जाएगी ठीक ठाक जैसे पहले होता था। तभी नहीं कोरोना काल की तो आपकी विपक्षी पार्टी है बीजेपी पार्टी, उनका कहना है कि उन्होंने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है कोरोना काल में। उन्होंने मदद किसी की नहीं की, अपने ही चहेतों की मदद करी है, जनता के नाम से अनाज लिया और अपने घरों में और अपने पार्टी वर्करों के घरों में उन्होंने वो सामान दिया। जनता तो घूम घूम के परेशान होगी, यहाँ पर आए दिन तो झगड़ा होता था उनके घर के आगे लोगों को, तो कहाँ दिया उन्होंने, उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को दिया है, आम जनता को नहीं दिया कोरोना काल में जो भी था। और उसके बाद यहाँ पर लोगों जिन लोगों ने लोगों के लिए लंगर लगवाए उनको तंग किया गया, मुझे कल ही लोग मिले उनके ऊपर पर्चे भी करवाए गए, तो ये इन्होंने मदद की है, आप इसको मदद कहेंगे? वो आज भी पर्चे भुगत रहे हैं एक नेक काम करने का,
तो ये तो इन्होंने बीजेपी वालों ने कराया, तो उसके बाद आप ये कहते हैं कि उन्होंने अच्छे काम कराए। आपकी विपक्षी पार्टी का कहना है कि जब कांग्रेस का दौर था तो उस टाइम भ्रष्टाचार, ऐसा है भ्रष्टाचार तो अब हम खोल लेंगे इनका सत्ता में आने दो। जितनी ये सड़कें हैं एक दिन बनती है दूसरे दिन पानी में रुड़ जाती है, ये बताइए। हमारे टाइम की बनी हुई सड़कें 10-10 साल तक चली हैं, इनकी बनी हुई सड़कें 10 दिन नहीं चली, तो भ्रष्टाचार किसमें है, मटेरियल की खोट किसमें है, घटिया मटेरियल किसमें लगवाया, इन्होंने लगवाया। ये सब इंक्वायरियाँ होंगी सड़कों के अंदर। जो आज आप देखिए पूरा रामदराव घूमकर गलियों के अंदर जगह जगह पानी चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई? जो पानी की लाइनें डलवाई हैं वो 5 फुट पे लगनी चाहिए थी, इन्होंने 1.5-1.5 फुट पे लगा दी। कोई भी गड्डी निकलती है वो टूट जाती है, आए दिन हर गली के अंदर टूटी हुई हैं। अभी भी मैं जा रही हूँ 118-116 नंबर फेज 2 के अंदर टूटी पड़ी हैं, वो 10 दिन से परेशान है। तो अगर वो नीचे होती तो टूटती ना। अब वो बताइए जो 3-3 फुट का पैसा कहाँ गया, किसने खाया, भ्रष्टाचारी कौन है? दूसरी बात, एक मिनट रुकिए मैडम, सड़कों का हो गया, पानी का हो गया, अब जो टाइलों का है, टाइलों के अंदर हुआ ये था कि ये कारपेटेड रोड थे पूरे रामदरबार के, इंटरनल रोड सारे कारपेटेड थे, उसके ऊपर अगर रिकारपेटिंग होती, क्योंकि स्ट्रेंथिंग तो ऑलरेडी हो रखी है, पहले जो लुक्त की सड़कें हमने बनवाई थी मजबूत थी उनके ऊपर कारपेटिंग करते तो 10 दिन भी ना लगते और पूरे रामदरबार की कारपेटिंग हो जाती। इन्होंने पैसे खाने के लिए, घपला करने के लिए, अपने चहेतों को फायदा दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, टाइल लगवाएंगे जी। टाइल बिना इसको खोदे उसी के ऊपर लगा दी, उसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों के घर नीचे हो गए, पानी उसमें चले गया। एस्टीमेट में क्या था, अगर कारपेटिंग होती तो सिर्फ 60 लाख में काम होता, और इन्होंने अपने कमीशनें बनाने के लिए, अपने चहेतों को फायदा दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 करोड़ 60 लाख का एस्टीमेट बनवा के रामदरबार का जो पैसा है जो लोगों को भी तंग किया गया, और जो काम 60 लाख में हो सकता था इन्होंने उसको 2 करोड़ 60 लाख में करवाया, आप बताइए। और जो टेक्निकली इसको सबका रिमूव करके लगाना था इन्होंने कोई रिमूव नहीं किया, हमारे पास वीडियो पड़ी है, इंक्वायरी करवाएंगे हम कि ये जो इनको रिमूव नहीं किया और उसके ऊपर इन्होंने टाइलें लगाई जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भरने लग गया, और अपने चहेतों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिलवाने के लिए इन्होंने पूरे रामदरबार की जो स्टोर रूम लाइन है बंद करवा दी। अब आप बताइए ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या कहेंगे? अगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो जहाँ किसान आंदोलन 1 साल से चलता आ रहा था वो एकदम से आगे गुरु पर्व वाले दिन 3 कृषि कानून वापस लिए जाते हैं और जो किसानों की मांगे होती है अनेक मांगे भी मान ली गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में मोदी जी ने ये क्षमा मांगी है कि उनको लगता है इनसे गलती हुई थी या फिर कुछ और इसके पीछे कारण? क्षमा कहाँ मांगी उन्होंने, क्षमा तो उन्होंने मांगी नहीं, उन्होंने कहा कि हम नाकामयाब रहे आपको समझाने में। नाकामयाब का मतलब क्या कि सूल अभी थोड़े छोटे थे और बड़े बड़े लगाते, खाइयाँ थोड़ी छोटी थी और गहरी करते, उनके ऊपर जो लाठी चलाएगी वो थोड़ी और कम थी, इसको कहते कि हमने कम समझ, हमारी बात नहीं समझ आई। ये तो डर के मारे इन्होंने किया कि जब सारी जनता समझ गई कि इनको लगा कि हमें वोट नहीं पड़ेंगी, अभी हिमाचल में ये हारे इनके खोपड़ी में समझ आएगी ये लोग गलत हैं, अगले दिन 12 रुपये इन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, और जो किसानों को 1 साल में 900 लोग बेचारे शहीद हो गए वहाँ पर, तब इनको दिखा नहीं, इनके दरवाजे के आगे जनता बैठी हुई है, ये अंधे हैं, इनको नज़र नहीं आता कि मेरे दरवाजे के आगे जनता बैठी हुई, उनसे जाके एक बार मिलूं। ये तो यूपी वालों ने जो इनकी रैलियाँ जो पिटने लगी ना, हजारों गड्डियाँ भेज के इनकी रैलियों में कोई बंदा, 1000 बंदा भी नहीं पहुँचा, तो ये डर गए कि हम लोग यूपी का इलेक्शन भी हार जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये कृषि कानून वापस लिया। ना कि इनको अंदर को दया ममता नहीं है, जो दया ममता होती जहाँ ये कहते एक कुत्ता भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाए तो तकलीफ होती है, जहाँ 900 बंदे मर गए इनको तकलीफ नहीं हुई, आज तक माफी नहीं, ठीक है आज तक माफी मांगी, और तो और जो किसान जा रहे थे उनके ऊपर गड्डी चढ़ा दी, ये इनके अंदर इंसानियत है? आधी रात को ये हिंदू कहते हैं, कौन से हिंदू धर्म के अंदर रात को लड़कियों को जला दिया जाता है आधी रात को, कौन से धर्म के अनुसार होता है? किसी भी धर्म के अंदर ऐसा नहीं होता कि रात को बिना माँ बाप को बताए वहाँ पर उनको जला दिया गया, ये हिंदू धर्म है? ये कौन सी संस्कृति है, कौन सा धर्म अपना रहे हैं ये लोग, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये? अगर बात की जाए आप आज की जो कि पहली बात लेकर के नगर निगम में देखिए जी, गारंटी किस चीज़ की, मुझे ये समझाएं
ये आप पार्टी वाले भी एक बहुत झूठे थे बीजेपी वाले, दूसरे झूठे ये आ गए हैं हमारे चंडीगढ़ के अंदर झूठ बोल रहे। कुछ करे तो बताओ ना, सिर्फ इलेक्शन के दौरान में आके झंडा गाड़ देना कि हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये नहीं होता। अगर तुम लोग सच्ची में सेवा करना चाहते हो तो हमेशा तुम्हारे फील्ड में होना चाहिए, तुम फील्ड में कभी नहीं आए हो। दूसरा बात ये कि ये जो कह रहे हम लोग गारंटी से देंगे, चंडीगढ़ के अंदर एक आप ही जैसे पत्रकार ने उनसे पूछा था ये आप पानी के रेट कैसे कम कराएंगे, बिजली के रेट कैसे कम कराएं, उनका जवाब पता क्या था? उनका जवाब था जब केजरीवाल जी दिल्ली में करा सकते थे या नहीं करा सकते। भाई मुझे ये समझाओ, केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, चंडीगढ़ का ना तो काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना चंडीगढ़ में विधानसभा है जिसका वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब दोनों इलेक्शन वो नहीं लड़ रहे तो मोदी जी भी आए थे जब अपना भाषण दे गए थे भी हम लोग मुझे वोट दो, मेरे को वोट दो, पूरे इलेक्शन निकल गए, पूरा 5 साल निकल गया, कौन सा आके एक काम करा नहीं किया। ऐसे ही ये है बीजेपी, ये जो आप पार्टी है ये भी झूठ बोल रही है। खुद तो इनका अभी सुनने में ये आ रहा है कि इनकी तो फरवरी में शादी है, वोट लेके भाग जाएंगे, कौन उनको पूछेगा? अब बताइए क्यों झूठ बोल रहे हो, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? और अब आम पार्टी वाले वहाँ दिल्ली में सफाई व्यवस्था आपने देखी है कितना इनका झाड़ू चला है, दुनिया भर के गंद वहाँ पर है, आए दिन पहाड़ भी तो बना हुआ है, उसके अलावा जहाँ भी आप जाओ पूरे दिल्ली के अंदर गंदगी की भरमार है, वहाँ तो इनका झाड़ू चला नहीं। और चंडीगढ़ नगर निगम जो चंडीगढ़ है वो यूटी है, यहाँ कोई सीएम नहीं होता, ये यूटी है, यूटी केंद्र सरकार के अंदर आती है, केंद्र सरकार में इस टाइम बीजेपी बैठी है, जो अभी आने वाले 2 साल तक बीजेपी वहाँ रहेगी। जब वो केंद्र सरकार वाले इनके माफ़ नहीं कर सके तो ये कहाँ से कर देंगे? दूसरी बात ये, चंडीगढ़ में अगर सीएम की बात मानी जाए तो वो केजरीवाल जी बोलते हैं दिल्ली में मैं क्या करूँ, एलजी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए धरने पे बैठ रहा हूँ। जब दिल्ली में तुम वहाँ के सीएम हो तब तुम्हारा एलजी बात नहीं सुन रहा, तो चंडीगढ़ में भी तो एलजी है, चंडीगढ़ में भी एलजी है, तो यहाँ सिर्फ धरने दे के लोगों को 5 साल परेशान करना ये कोई तुक नहीं है। हमारे यहाँ की जनता पहले ही 15 साल से बड़ी परेशान है, यहाँ पर जो अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे आए अलग अलग, उन्होंने अपना टाइम बर्बाद किया जनता का, 15 साल हो गए यहाँ पर ना तो कोई प्रॉपर सफाई व्यवस्था हुई है, ना ही कोई यहाँ पर अच्छी तरह सड़कें बनी हैं, सड़कें बनती बाद में उड़ती पहले हैं, आप देख लीजिए टाइम टू टाइम व्हाट्सएप पे लोगों ने डाली है वीडियोस उनकी। और गंदगी, पार्किंग सभी में तो ये फेल रहे हैं, इनको वोट क्यों दी जाए? इन्होंने तो लोगों से ये वोट लेने, आप बताइए अब तो इलेक्शन के दौरान ये होना चाहिए हर व्यक्ति बोले राम दरबार का क्या चंडीगढ़ का, जहाँ जहाँ इन्होंने 100-100 रुपये ले गए लोगों से, कहा था हम आपको मकान देंगे, लोगों को बेचारे 3-3 दिन तक लाइनों में लग लग के अपने वो फार्म भरे और 100-100 रुपये भी ले लिए, वोट भी ले ली, और उसके बाद उनको धोखा भी दे दे, किसी एक व्यक्ति को मकान मिला तो बताओ, किसी एक व्यक्ति के लिए कोई नींव रखी हो तो बताओ, इनका प्रधानमंत्री आया जो नींव रख के जाता, ठीक है? ये सिर्फ झूठे हैं और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इनकी किरण खेर भी आई थी यहाँ पर, सब आके वो बहुत नाच नाच के लड्डू खा खा के गए थे कि हमने मकानों का मालकाना दे दिया, सारा वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा, लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, सबकी रजिस्ट्री हो जाएंगी। एक भी व्यक्ति राम दरबार का मुझे ये बता दें जिसका घर को मालकाना हक मिला हो, जिसको रजिस्ट्री मिली हो, बल्कि इन्होंने लोगों को सेटलमेंट के, लोगों को होता भी चलो ठीक है यार क्या पता हमारा सेटलमेंट ही हो जाए, हम लोग क्यों ना इनको वो पैसे दें, लोगों को 30-30 हज़ार रुपये लग गए सेटलमेंट कराने के लिए, FIR के लिए, और उसके बाद 5-5 हज़ार के लिए इन्होंने अपने जो आर्किटेक्ट बढ़ा रखे थे दलाल काय के लिए, आर्किटेक्ट साहब ही सिंपल सी बात है, ये मकान जो 78-79 में बसे थे, और पहली बात ये जो 78-79 में जो ये राम दरबार या डड्डू माजरा जो बसा था ये हाउसिंग बोर्ड ने नहीं बसाया, ये स्टेट ऑफिस ने बसाया था, हाउसिंग बोर्ड को तो सिर्फ उसके देख रेख के लिए दिया था, तो आप बताइए हाउसिंग बोर्ड ने इसकी क्या देख रेख करी है, इनको कौन सी सुविधा दी है? 4 मंजिल मकान बनाए हैं जो 4 मंजिल कॉलोनी है, उसको 12 साल हो गए लगभग बसे हुए, उसके अंदर सफाई नहीं, उसके अंदर पानी नहीं, ना उसका सीवरेज प्रॉपर खुलता है, मेंटेनेंस उसकी एक भी नहीं, ना कोई रंग रोगन है, क्या है ये सिर्फ एक कॉलोनी वाले कमलेश मैम फेंक रखा है? मैम प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद जी का कहना है कि कांग्रेस के टाइम में ही पहाड़ बने हुए हैं गार्बेज वाले। भाई मुझे ये बताओ, मैं 2006 में जब इलेक्शन लड़े थे मैंने वहाँ डड्डू माजरा में जो वहाँ पर जो जहाँ पर इन्होंने पर्वत बनाया है बीजेपी वालों ने, वहाँ पर मुझे ये बताओ हमने वहाँ ग्राउंड बना रखा था, प्ले ग्राउंड बना रखा था, बच्चे वहाँ खेलते थे, हमने वहाँ पर उसको प्ले ग्राउंड बनाया था, पहाड़ इन्होंने बनाया है,
और दूसरी बात ये, इन्होंने इनके मीटिंगों के अंदर इन्होंने कहा था बस जल्दी इसका प्रोसेसिंग होने वाला है, जल्दी इसका प्रोसेसिंग होने वाला, ठीक करते 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 जो चीज़ 85 ईयर के अंदर कंप्लीट होती, 85 ईयर के अंदर जो एक बिट बना रखी थी उसके अंदर अगर आपने देखा हो, वो पिट बना रखी थी, उस पिट के जो पिट सॉरी पिट बना रखी थी उस पिट के अंदर वो सारा मलबा डलना था। मलबा कौन सा होता? कंकर पत्थर, ये बाकी सारा सेग्रीगेट होके अलग होता। तो मतलब कि उसके कंकर पत्थर को तो थोड़े ही आते, तो वो पूरे 85 ईयर में होता। इन्होंने तो विद इन 7 ईयर में चक दिया काम। तो मतलब कि ये कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये अपना पल्ला ना झाड़े। किरण खेर जब चंडीगढ़ के अंदर आई थी तो सबसे पहले वहाँ बैठ के धरने के अंदर बैठी थी और उसने कहा था मैं इसको साफ करूंगी। कहाँ है वो किरण खेर? इतना लगा दिया ढेर। हाँ जी, मैं अपने वार्डवासियों से सारे वार्ड नंबर 19 के सभी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सभी को वोट दे के देख लिया है, अलग अलग पार्टियों को, और उन्होंने 15 साल राम दरबार के बर्बाद कर दिए हैं। कोई सुविधा यहाँ नहीं दी, सफाई यहाँ नहीं करी, और आज गंदगी के भरमार हो चुके हैं। इसलिए अब आपको कांग्रेस को चुनना है, क्योंकि कांग्रेस को आपने पहले भी चुना है और कांग्रेस के अपने काम भी देखे हैं। आप उसको आज भी अप्रिशिएट कर रहे हो कि कमलेश के टाइम पे यहाँ पर रामदरा में जो काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ, ना कोई कर पाया है। इसलिए अब फिर दोबारा आप लोगों के बीच में हैं कमलेश बनारसी दास, तो इसलिए इस बार 24 तारीख को अपना कीमती वोट देकर कमलेश को कामयाब करें। धन्यवाद। चाहिए ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।